जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 की आंसर की के बारे में। आंसर की के साथ ही बात करने वाले हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एनएसक्यूएफ लेवल पेस्ट का जो आप लोगों का सर्टिफिकेट है वो कहां से बनने वाला है और किन किन अभ्यर्थियों को यह सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों के आंसर के आने के बाद में बहुत ही जल्द आप लोगों का रिजल्ट भी आप लोगों के सामने होगा और रिजल्ट के बाद में ट्रेड टेस्ट के लिए आप लोगों को ज्यादा समय यहां पर नहीं मिलने वाला। तो किन ट्रेडों में ट्रेड टेस्ट भी होगा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एनएसक्यूएफ लेवल पेस्ट का सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको पहले से तैयार रखनी पड़ेगी। चाहे रिटर्न में आपके कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना हो, अगर ये सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास में नहीं है तो अच्छे नंबर होते हुए भी आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इन्हीं के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, तो ये वीडियो देखने के बाद में आप सभी के डाउट क्लियर होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आगे आने वाली बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, हम बीएसएफ की रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल साइट पे है और आप लोगों की आंसर की भी यहीं पर देखने को मिलेगी। ये सारे के सारे जो लिंक वगैरह आप देख रहे होंगे, ये आप ही के जो रिक्रूटमेंट हेड कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन, इन सभी के लिंक है और यहीं पर आप लोगों का आंसर की का लिंक भी मिलेगा और ऑब्जेक्शन का लिंक भी आप लोगों को यहीं पर मिल जाएगा। अब बात आती है कि आंसर की कब जारी होगी और ट्रेड टेस्ट आप लोगों का कब होगा, और ट्रेड टेस्ट के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एनएसक्यूएफ लेवल पेस्ट का सर्टिफिकेट आप लोग कहां से बनवाए, तो बिल्कुल मैं आप लोगों को बता देता हूं। उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी बता दूं, अगर आप एसएससीजीटी 2023-24 की टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन के गाइड मार्केट में आ चुकी है, जिसमें 2800 प्लस बहुविकल्पीय के क्वेश्चन, 5 सॉल्वर्ड पेपर, साथ ही इसका एक प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है जिसमें 11 सॉल्वर्ड पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट है। दोनों ही बुकें काफी इंपोर्टेंट है और इस बुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाके आप इन बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, साथ ही अपनी तैयारी को अभी से बेहतरीन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो कि मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किन ट्रेडों में चाहिए और किन ट्रेडों में ट्रेड टेस्ट होने वाला है। देखो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, अगर आपके पास में एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है। और ये किन ट्रेडों के लिए होना चाहिए, अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास में है और जिन ट्रेडों के लिए आपने अप्लाई किया, आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होने वाला है। तो किन ट्रेडों का नहीं होगा, तो ये तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपने कुक से अप्लाई किया है या फिर आपने वोटर कैरियर से अप्लाई किया है या फिर आपने वेटर से अप्लाई किया है, अगर इन ट्रेडों से अगर आपने अप्लाई किया है तो यहां पर एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली। अगर नहीं है तो भाई बनवा लीजिएगा, अलग अलग राज्यों और अलग अलग जिलों में इनके सेंटर वगैरह होते हैं, वहां से आप अपना एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब बाकी की ट्रेडें आती है, जैसे कि स्वीपर है, बार्बर है, धोबी है, मोची है, पेंटर है, इन सभी ट्रेडों के बारे में अगर बात करें तो इनमें आप लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में तो बहुत अच्छी बात है। बाकी नोटिफिकेशन में यह चीज मेंशन नहीं की गई है कि इन ट्रेडों के लिए भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि यहां पर आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होने वाला है। बाकी की इन तीन ट्रेड को छोड़कर सभी ट्रेडों का सेकेंड, अब रिटर्न का रिजल्ट आने के बाद में आप लोगों का ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा और ट्रेड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे के लिए मेडिकल के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। जो बच्चे ट्रेड में बाहर होंगे उन्हें डायरेक्टली वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, चाहे रिटर्न में उनके कितने भी अच्छे नंबर हो। तो बाकी की सभी ट्रेडों के लिए आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होने वाला है और भाई सबसे ज्यादा फॉर्म इस बार स्वीपर में अप्लाई हुए थे और सबसे ज्यादा बच्चे रिटर्न देने वाले भी स्वीपर ट्रेड से थे, तो स्वीपर में काफी ज्यादा कंपिटिशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं तो बाकी की ट्रेडों में आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप कहीं से बनवा सकते हैं, होटल से बनवा सकते हैं, स्कूल से बना सकते हैं, कॉलेज से बना सकते हैं, हॉस्पिटल से बना सकते हैं, किसी कंपनी से बना सकते हैं, कहीं से भी आप ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अब बात आती है कि आंसर की कब तक जारी होगी, जब आंसर की जारी होगी तभी आप लोगों का पूरा पेपर फिर से दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि कितने कितने आप लोगों के नंबर यहां पर बन रहे। तो 100 नंबर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की होगी नहीं, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ है, कुछ राज्यों की 75 प्लस देखने को मिलेगी और कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां पर बच्चों के 40, 50, 55 नंबर पे भी सिलेक्शन होने वाला, ये निर्भर करेगा आपके राज्य के कंपटीशन पर। देखो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, आंसर की बात करें तो आप लोगों के आंसर की है वो 5 सितंबर तक आप लोगों के आंसर की जारी हो सकती है लगभग। मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, सितंबर का पहला वीक आप लोगों के आंसर की के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में आंसर की में ज्यादा समय नहीं लगता, तो ऑफिशियली जो आप लोगों की आंसर की है वो 1 तारीख से 5 सितंबर के बीच में कभी भी जारी हो सकती है।
इसके अलावा दोस्तों आपके कितने नंबर बन रहे और कौन से ट्रेड से आप लोगों ने एग्जाम दिया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।